रुपए की कहानी बहुत पुरानी है। आज थोड़ी जेब दे विच जो नोट है वह पहला इस तरह का नहीं हुंदा सी। इस ते पहला कुछ होर तस्वीर हुंदियां सन। तुहानू दसदे आ कि सदियां पुरानी रुपए की कहानी की है ते किवें हौली हौली रुपए का रूप बदलिया। जो रुपए थोड़ी जेब च ने उन्हां दी कहानी सदियां पुरानी है। अजिहा मन्या जांदा है कि भारत उन्हां गिने चुने मुल्कां चों है जिथे 2500 साल पहला तो ही मुद्रा का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2600 साल पहला भारत च मुद्रा का चलन शुरू होया। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व दे विच इसकी शुरुआत की गल आखी गई है। रुपए का मतलब हुंदा सी चांदी वर्गा। अजिहा मन्या जांदा है कि रुपए का जिक्र पुरातन भारतीय साहित्य दे विच कीता गया। इतिहासकार दसदे ने कि मौर्या काल च रुपया चलन दे विच सी। हालांकि उस वेले मुद्रा किहो जिही सी इस बारे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर इना जरूर है कि चंद्रगुप्त मौर्या दे गुरु चाणक्य ने अर्थशास्त्र च इसका जिक्र किया है। पर यह गल सही है कि कागज की जिस मुद्रा नू अज रुपया कहा जाता है यह चांदी के सिक्के के रूप च प्रचलन च आया सी। दसिया जाता है कि 16वीं शताब्दी दे विच एक बार फिर रुपए ने भारत के द्वार से दस्तक दिती। उदो भारत च शेरशाह सूरी का राज सी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली की सल्तनत से 1540 तो 1545 तक राज किया। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया। सिक्के का वजन 178 ग्रेन सी। 20वीं सदी तो पहला तक यह प्रचलित रहा। चांदी के सिक्के नाल सोने के सिक्के भी जारी किए जाते सन जिन्हों मोहर के नाम नाल जाना जाता सी। अज भारतीय मुद्रा के दो रूप ने, एक कागजी और दूजा सिक्के। पर अंग्रेजा के आने तो पहला सिक्के ही सन और वह भी इको जे नहीं सन। मतलब एक मुद्रा एक थान ते योग सी पर दूजा राजा उसनू अस्वीकार कर दिंदा सी। मिसाल दे तौर ते हैदराबाद दे निजाम दे सिक्के अलग सन जदों कि सिखां दे सिक्के वक सन। बाद च समानता मुगल लेके आए। रुपए दे नाम नाल बाजार च आए सिक्के सब जगह चलन लगे। रुपए दे सफर नू जो जानदे ते समझदे ने उन्हां दा ये भी कहना है कि 19वीं शताब्दी च टकसाल च ढल के निकलन वाले सिक्के सब तो छोटी यूनिट सी। पैसे का सब तो छोटा हिस्सा ते रस्मी तौर ते आने का 12वां हिस्सा एक पाई दे बराबर हुंदा सी। मतलब 3 पाई का एक पैसा, 4 पैसे का एक आना ते 16 आना एक रुपया। कागज के रुपए के चलन की गल करिए तो रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी च बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने इसकी शुरुआत की सी। रुपए के इतिहास नू करीब तो जानने वाले लोग दसते ने कि 1861 च 10 रुपए का नोट बाजार च आया सी। 1864 च 20 रुपए का नोट आया। 8 साल बाद 5 रुपए का नोट आया। 1900 दे विच 100 रुपए का नोट बाजार च आया जदों कि 1905 दे विच 50 रुपए के नोट की शुरुआत हुई। कहानी इत्थे ही नहीं रुकती। 1907 दे विच 500 रुपए का नोट आया। आजाद भारत च आने की शुरुआत 15 अगस्त 1950 नू हुई सी। यह आजाद भारत का पहला सिक्का सी। इस ते राजा दी फोटो दी थां ते बहादुरी दे प्रतीक अशोक स्तंभ दी फोटो लाई गई सी। पहला 16 आन्या दा 1 रुपया हुंदा सी ते बाद च 100 पैसियां दा 1 रुपया हो गया। 1950 दे विच 2, 5, 10 अते 100 रुपए दे नवे नोट बने। रिजर्व बैंक तो पहला भारत सरकार ही नोट छापदी सी। 1938 दे विच रिजर्व बैंक होंच आया। रिजर्व बैंक ने 5 रुपए दा पहला नोट जारी किया। 100, 1000 रुपए दे नोट भी रिजर्व बैंक ने जारी किए सन। साल 1949 दे विच 1 रुपए दा नवा नोट लियांदा गया। 1964 दे विच 1000, 5000 अते 10000 दे नोट मुड़ तो बाजार च वापस आए। हालांकि 1978 दे विच वड्डी करंसी नू बंद कर दिता गया। भारतीय रुपए की कहानी जिन्नी लंबी है उन्नी रोचक भी। हर मोड़ ते रुपए च कोई ना कोई बदलाव हुंदा रहा है। सुरक्षा कारना करके बदलाव अज भी हुंदे रहिंदे ने। आजादी के बाद इस गल ते सहमति बनी सी कि अशोक चिन्ह की थां ते महात्मा गांधी की तस्वीर लाई जाएगी। हालांकि बाद च सहमति अशोक चक्कर ते ही रही। एक वक्त सी जदों 2 रुपए के नोट ते बाघ का चित्र सी। 5 रुपए के नोट ते सांबर अते हिरन की तस्वीर सी। 100 रुपए के नोट ते खेती संबंधी तस्वीर सी जदों कि 20 रुपए के नोट ते मोर अते गार्डन दीआं तस्वीरां सन। साल 1969 दे विच महात्मा गांधी की जयंती के मौके ते भारतीय करंसी ते महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। 1987 दे विच महात्मा गांधी की तस्वीर वाला 500 का नोट बाजार दे विच आया। नोट का वाटरमार्क हालांकि अशोक चिन्ह ही रखा गया। 1996 दे विच महात्मा गांधी सीरीज के नवे नोट आए। 2005 दे विच कुछ होर सिक्योरिटी फीचर्स जोड़े गए जदों कि 2016 दे विच नोटबंदी के बाद 2000 का नोट भी मार्केट दे विच आ गया।